जिला होशियारपुर के कई गांव के ग्रामीणों को पीने वाला पानी न मिलने के कारण अपना रोष प्रदर्शन किया और जाम लगा दिया। उसके बाद गांव के पूर्व सरपंच एवं मेंबर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना प्रवीण सोनी की विशेष पहल पर हल्का विधायक डॉक्टर राजकुमार चंबेवाल से संपर्क कर 9 मोटर का प्रबंध किया गया और गांव वालों की सहूलियत के लिए सरकारी ट्यूबवेल पर 25 हॉर्स पावर की मोटर लगवाकर गांव के लोगों को पीने वाले पानी की समस्या का समाधान कराया गया। इस अवसर पर डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि गांव के पहाड़ी के ऊपर बने घरों में पानी की सप्लाई पहुंचने के लिए एक अलग से टैंकर बनाकर उसमें मोटर लगाई जाएगी, जिससे गांव में पानी की समस्या का समाधान पूरी तरह से हो जाए। आज जीजू विखे मैं आने का मौका मिले, अज उचेचे तौर पर साडे संत बीबी मीना जी के उचित सहयोग के नाल उन्होंने डेरे में जाने वाली जी सड़क है वह बिल्कुल अज कंप्लीट हो चुकी है और मैं महाराज जी ने उस दे खास तौर पर उचेचे तौर पर अज बुलाया, मैं उन्हों का बहुत धन्यवाद करना। और इस तों अलावा साढ़े इस नगर के पानी की प्रॉब्लम पिछले 2 महीने तो चल रही है और उसे मोटर की बहुत वड्डी प्रॉब्लम सी और वो मोटर भी अज जी है नवी साड़ी सरकार वालों साढ़े विभाग वालों वो अज पाई गई है और इस तों अलावा जिथे ट्यूबवैल लगा हुआ उत्थे पार्क की उसारी दे लई साढ़े वालों साड़ी सरकार वालों 5 लाख रुपए का ऐलान जिहड़ा वो किया गया और बहुत जल्दी वो जिहड़ी पार्क इत्थे बननी शुरू हो जाएगी।